हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो आती है यहाँ पर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल क्या होते हैं, कि मल्टीपल एंगल क्या होते हैं। देखो, मल्टीपल की परिभाषा क्या होती है, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो जैसे कि ए बी का मल्टीपल कहलाएगा, कौन, ए बी का मल्टीपल कहलाता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट लिखते हैं हम, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी क्यू सी। क्लियर, ए बी का मल्टीपल कहलाएगा, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी क्यू के रूप में यदि इसको हम लिख सकें। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एंगल में भी यही कॉन्सेप्ट काम में आता है। जैसे कि 2A, 3A, 4A, 5A, ये किसके मल्टीपल है, ये ए के मल्टीपल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2A किसका मल्टीपल है, 2A इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। देखो यहाँ से ये इसको ऐसे लिख लो, क्यू बी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2, और किसका मल्टीपल है, ए का मल्टीपल है। इसको बोल दो ए और इसको बोल दो 2 इंटू बी। तो बी की वैल्यू कितनी है, ए, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 2। तो यदि आप इस प्रकार से लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, 2A किसका मल्टीपल है, ए का मल्टीपल है। क्लियर, तो इनको बोलते हैं ए के मल्टीपल एंगल। ये जो जितने भी एंगल आ रहे हैं, 2A, 3A, 4A, 5A, ये किसके मल्टीपल एंगल हैं, ए के मल्टीपल एंगल हैं, ए के गुणज हैं। इस रूप में ए के मल्टीपल में है, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टीपल एंगल बोल देते हैं। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये जैसे कि ए बाई टू आया आपके पास, ए बाई टू, ए बाई थ्री, ए बाई फोर, ए बाई फाइव, इसी प्रकार टोट टोट करके आगे। तो इस प्रकार के जो एंगल आ रहे हैं ना, जो ए के सब मल्टीपल एंगल कहलाते हैं, मतलब ए के डिवाइडेशन में कि भाई ए बाई टू आ रहा है, ए का फिर 3 भागों में डिवाइडेशन वाला एंगल आया, मतलब ये सारे एंगल किससे छोटे हैं, ए से छोटे हैं। तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं इनको, ए के सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं इनको। तो वो इनको कैसे पढ़ेंगे, ए के मल्टीपल। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, इनका क्या याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। और वह हमें तो केवल हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल इतना है, इनके जो फॉर्मूले हैं उनको फाइंड आउट करना है कि उनके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनका यूज होता है, हमें इतना सीखना है इस वीडियो लेक्चर में। तो देखो भाई, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर, इसी प्रकार से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन। ये तीन फॉर्मूले अपने पास हैं, और तीन फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इनके मल्टीपल एंगल के रूप में किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं उनके फॉर्मूले फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इन तीनों फॉर्मूलों में ए बराबर बी पुट करो, ए बराबर बी पुट करेंगे इनमें, ए बराबर बी पुट कर देंगे तो साइन ए प्लस ए कितना होगा यार, साइन 2A होगा कि नहीं हुआ, ए बी की जगह क्या पुट करो, ए। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये भी बी कोस बी की जगह क्या लिख देंगे, ए। तो लिख देता हूँ एक, तो मैं
साइन कोसी प्लस कोसी साइन, तो कितनी बार आ रहे हैं? दो बार आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए। क्लियर? तो ये साइन टू ए का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से कोस टू ई यहाँ पर पुट कर दो आप, ए बराबर बी पुट करोगे तो कोस टू ई, तो देखो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर? इसी प्रकार टेन ए प्लस बी, टेन टू ए, बी की जगह क्या पुट कर दो, ए पुट कर देंगे, तो ये कितने हुए, टेन ए प्लस ए टेन टू ए, और ये क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये टेन ए और ये भी टेन ए, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक दो और तीन। तो कितने मल्टीपल फॉर्मूले आ गए हमारे, एंगल कितना है टू ए जो कि ए का मल्टीपल है, उसका क्या अगर ज्ञात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो फॉर्मूले क्या है, साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कोस ए, कोस टू ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और टेन टू ए क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर? अब देखो भाई इनको या तो ऐसे लिख लो, एक साथ लिख लो जिससे आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कोस ए, कोस टू ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, और टेन टू ए क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप दो फॉर्मूले बना सकते हो, एक तो इसकी वैल्यू ये आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बराबर टू कोस स्क्वायर ए माइनस का वन, ये आइडेंटिटी यूज करना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है वन, एक बार ये पुट करना है कोस ए की जगह, और एक बार साइन ए की जगह ये पुट करना, तो इनसे ये दो फॉर्मूले और हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं। तो प्यारे छात्रों देखो, हमने यहाँ पर तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लिया, तो यहाँ पर आपको देखो एक आइडिया लग रहा होगा कि टू ए यहाँ पर है तो ये ए ए में आ रहा है। क्लियर? इसी प्रकार कोस टू ए है तो यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, टू ए यदि यहाँ पर है तो यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों फॉर्मूले मल्टीपल एंगल को उसके हाफ एंगल में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल एंगल को किस में डिवाइड कर रहे हैं, उसके हाफ एंगल के रूप में डिवाइड करके इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। अर्थात इनका काम क्या है, यदि टू ए एंगल इधर है तो उसको किस रूप में तोड़ेगा, एंगल ए में ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो देखो यहाँ से यदि आप थोड़ा सा और कोशिश करें तो तीन फॉर्मूले और बना सकते हो। तो देखो यहाँ से एक की जगह, टू ए की जगह यदि ए पुट करें तो क्या आएगा भाई, तो साइन ए आ जाएगा, टू ए की जगह ए पुट करें तो कितना आएगा, साइन ए, और यहाँ टू ए तो यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ए बाई टू होगा, तो यहाँ लिख सकते हो टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। क्लियर? इसी प्रकार से देखो ये कोस टू ए है, इसकी जगह ए पुट करें तो टू ए है तो यहाँ ए है, तो यहाँ ए होगा तो यहाँ ए बाई टू होगा, तो कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का। क्लियर? इसी प्रकार से आप टेन टू ए है तो टेन ए कितना आएगा, टेन ए बराबर आ गया टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई क्लियर? ये कोई दिक्कत? तो देखो भाई तीन फॉर्मूले हमें अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से हमने इनको जनरेट किया। क्लियर? वो किस प्रकार से, यदि टू एंगल है तो उसको ए में डिवाइड कर रहा है, यदि ए है तो वो किसके रूप में डिवाइड करेगा, उसके हाफ एंगल अर्थात ए बाई टू के रूप में उसको डिवाइड कर देता है।
क्लियर। तो इन तीन फॉर्मूलों का ये यूज होता है हमारा कि यदि टू ए एंगल है तो उसको उसके हाफ एंगल में डिवाइड करना, अर्थात जितना भी एंगल है ये उनकी उसके हाफ एंगल में ये उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। अब देखो ये तो हमारा हुआ टू ए के, अब आते हैं थ्री ए के फॉर्मूले, इसके थ्री ए के मल्टीपल वाले। तो ये फॉर्मूले आपको केवल याद करने हैं, तो एक तो होता है साइन थ्री ए, साइन थ्री ए, एक होता है कोस थ्री ए और एक होता है टेन थ्री। यदि कोशिश करें ना तो इसको ऐसे लिख लेना साइन टू ए प्लस ए, तो उससे ही आसानी से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो साइन थ्री ए का फॉर्मूला जो है वो क्या आता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब। क्लियर, ये याद कर लेना है आपको। इसी प्रकार कोस थ्री का आता है फोर कोस क्यूब ए, यहाँ पर क्यूब फोर है ना, तो ये पहले आ जाए फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस, ये पहले बाद में आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से टेन थ्री ए का क्या आएगा, टेन थ्री ए का आएगा वन थ्री टेन ए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। तो ये हमारे पास थ्री ए के फॉर्मूले हैं जो हमें याद करना है केवल। तो साइन थ्री क्या होता है, यहाँ पर ये थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कोस थ्री क्या होता है फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए, और टेन थ्री ए क्या होता है थ्री टेन ए माइनस टेन की पावर तीन ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। तो ये इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिनको केवल हमें याद करना है, और जैसे क्वेश्चन करेंगे हम तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छह फॉर्मूले और तीन इसके सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे, और नहीं भी याद हुए हैं तो इनको अपन अभ्यास करेंगे, और जितना अभ्यास करेंगे हमने आपको पहले भी बताया था ट्रिपल पी वाला रूल अपना कर इनको याद कर सकते हैं, और ये हमारे एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है, और हमारे इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज हैं उनमें तो ये फ्रिक्वेंटली काम आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।